Hello everyone, this is Alicia Mahajan from Unacademy. Hope you are doing well. आप मुझे Unacademy के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं. सो आज मैं आपके सामने क्या डिस्कस करने वाली हूँ. मैं डिस्कस करने वाली हूँ स्टैट्स के MCQ दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड प्लस एक आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू पे द सब्सक्रिप्शन क्लास, तो उनके लिए आज एक स्पेशल ऑफर है. ठीक है, दैट विल बी नियर अबाउट दिस मंथ के अभी 15 डेट बच गई है ना, दैट इज फ्रॉम आज हमारी 16 हो गई है, सो 31st से लेकर चले तो इतने दिनों का आपके पास एक स्पेशल डिस्काउंट है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय मी. ठीक है, ये गुड न्यूज हम क्लास के एंड में बताएंगे. उससे पहले मैं आपको क्लास के बारे में बता दूं. हमारे सब्सक्रिप्शन क्लास सारे के सारे कोर्सेज जो होते हैं लाइव होते हैं, लेसन जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं टॉप एडुकेटर्स के द्वारा किए जाते हैं, वीकली क्विजेज होते हैं, डाउट क्लियरिंग होते हैं, और जो मैं आपको लास्ट में जो गुड न्यूज बताऊंगी दैट विल बी रिलेटेड टू दिस रेफरल कोड प्लस एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो कि मेरे थ्रू आपको मिलेगा. ठीक है, सो वो हम स्टार्ट करते हैं पहले अपने स्टैट्स के क्वेश्चन आंसर्स, फिर उसके बाद इस पे चलेंगे. सो देखते हैं कितनी रिवीजन हो गई है आपकी स्टैट्स की. सो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. पॉइंट नंबर ए कहते हैं कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन. यस, हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जबकि बाइनोमियल एंड पॉइजन जो होता है वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन कहता है मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, दैट इज करेक्ट अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. थर्ड कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज द सोल पैरामीटर. जब मैंने आपको बाइनोमियल पॉइजन और नॉर्मल करवाया था तो आपको एक चीज बताई थी कि स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, मीन भी इसका पैरामीटर होता है. सो देर आर टू पैरामीटर्स बेसिकली यहाँ पर. सो यहाँ पर जो सोल पैरामीटर वाली कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होती है. ये यूनिमॉडल है, दैट मीन्स इसमें जो मोड होता है वो एक ही होता है, ये भी करेक्ट है. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में जो करेक्ट नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबल एरर को कैलकुलेट करना है हमने. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देर आर फोर ऑप्शंस आर अवेलेबल टू यू. सो देखते हैं कौन सा बच्चा सही आंसर देता है. सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या कहता है, दैट इज 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 1 - r² अपॉन अंडर रूट n. ठीक है, सो गाइस यही इसका करेक्ट ऑप्शन है. जब मैं बात करूंगी प्रोबेबल एरर की तो ये आंसर होगा, लेकिन अगर मैं बात करूंगी स्टैंडर्ड एरर की तो द आंसर विल बी गाइस 1 - r² अपॉन अंडर रूट n. ठीक है, सो ये चीजें आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. थर्ड, इफ वन ऑफ द perpendicular x-axis from the point of inflection of both less than or more than frequency is drawn, it gives the value of. क्या इससे पता लगता है, मोड पता लगता है, मीडियन पता लगता है, अरिथमेटिक मीन पता लगता है, या क्वार्टाइल 3 पता लगता है. सोचिए हल्का सा. तो गाइज याद रखिए, जब भी वर्डिंग में मोर देन लेस देन लिखा होगा तो हमारा वो क्या होगा, मीडियन. ठीक है, आंसर विल बी मीडियन. सो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. असाइन, अब जो मेरी यूट्यूब की क्लास थी अनअकैडमी की, तो आपको मैंने सारा ये टाइप्स ऑफ डेटा करवाया था. ठीक है ना, सो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं पहले फोर्थ पर. न्यूमेरिकल्स जब असाइन करने होते हैं एट्रीब्यूट्स को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन क्लास के स्टूडेंट्स की मैं बात कर लूँ, एक का नाम है रेखा, एक का नाम है रेनु, एक है पारखी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट्स है. तो क्या अगर मैं किसी को 1 बोल रही हूँ इसका मतलब क्या है, वो फर्स्ट आता है, सेकेंड बोल रही हूँ तो वो सेकेंड आता है. इनका मुझे रैंकिंग नहीं पता है कि इनके कितने मार्क्स आ रहे हैं. सो जब हम सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर्स असाइन करते हैं गाइज, उसको हम बोलते हैं नॉमिनल डेटा. ऑर्डिनल में क्या होता है, ऑर्डिनल में अब ध्यान से सुनिएगा, ऑर्डिनल में क्या होता है आपका, या ऑर्डिनल में गाइस होता है जब हमें ऑर्डर गिवन होता है. फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम है
मेरी इनकम है 1 लाख रुपीस, ठीक है। दूसरे पर्सन की इनकम है 2 लाख रुपीस, तो तीसरे की है 50,000। तो आप रैंक कर सकते हैं ना, हाईएस्ट रैंकिंग किसको देंगे, 2 लाख को, फिर इसको, फिर दिस। असेंडिंग और डिसेंडिंग ये दोनों भी कर सकते हैं, तो जिसमें हमें ऑर्डर पता होता है। पहले हमें पता नहीं था, सिर्फ रोल नंबर्स थे, ठीक है, तब हमारा वो नॉमिनल डेटा होता है। ऑर्डिनल कब होता है, जब हमें रैंकिंग पता हो। इंटरवल कब होता है, जब हमें डिस्टेंस पता हो। डिस्टेंस एज इन कि हमें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप ये थोड़ी बोल सकते हो, अगर कोई 2 लाख कमा रहा है तो वो एक 1 लाख कमा रहा है तो ये मेरे से डबल अमीर है, या इनका डिस्टेंस 1 लाख रुपया अमीर है, नहीं, ये आप नहीं बता सकते हो। लेकिन इंटरवल में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर की लेंगे, एक है 15 डिग्री, एक है 30 डिग्री, तो इसमें आप डिस्टेंस बता सकते हो कि इनमें डिस्टेंस कितना है 15 डिग्रीज का। लेकिन गाइज इसमें भी एक कमी होती है, क्या कमी होती है इसमें, दैट इसमें एक कमी होती है जो कि रेशियो वाला पूरा करता है। इसमें गाइज एक तो ओरिजिन नहीं होता, जीरो वैल्यू नहीं होती है इंटरवल में, जो कि रेशियो में होती है। दूसरा, ये हम ये नहीं बोल सकते ये उससे डबल है। 15 डिग्री सेल्सियस था तो हम ये नहीं बोल सकते यहाँ पर गर्मी डबल रेट पर है, और अगर यहाँ पे कोई 45 आ जाए तो क्या रेशियो निकालोगे। सो यहाँ पर रेशियो हमारी नहीं निकलती है। लेकिन रेशियो कहाँ पर निकलती है, अगर वर्डिंग में लिखा हो हाइट वेट, ठीक है, एक का वेट है 100 केजीज, दूसरे का है 500, तो बोल सकते हैं ना 5 गुना ज्यादा है वेट, तो रेशियो बेस्ट मेजर होता है। पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक के हिसाब से अगर चले तो हमारे जो नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डेटा होते हैं ना, वो होते हैं नॉन पैरामीट्रिक में आते हैं, नॉन पैरामीट्रिक। और इंटरवल और रेशियो की बात करें तो वो आते हैं पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक की बात करें तो हमारा जी टेस्ट, टी टेस्ट, ठीक है, जी टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ये आ जाते हैं। नॉन पैरामीट्रिक की बात करें तो एनोवा, काई स्क्वायर, उसके अलावा मैन विटने यू टेस्ट और क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। सो इन सब की डिटेल मैंने आपको करवानी है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ बेनिफिटेड। अगर एक एक क्लास लाइव क्लास होगी तो आपका कितना ज्यादा बेनिफिट होगा ना इससे। सो इस चीज का जरूर फायदा उठाएं। अभी भी टाइम है आपके पास, अप्रैल का महीना पूरा पड़ा है, मई का महीना पड़ा है। अगर आप ये 2 मंथ्स भी अच्छे से कर लेंगे ना, तो दैट विल बी बेनिफिटेड, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। द स्केल ऑफ मेजरमेंट विच हैज ऑर्डर, ऑर्डर भी है, ऑर्डर किस में होता है, ऑर्डिनल में। डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में होता है, इंटरवल में। यूनिक ओरिजिन, ओरिजिन किस में होता है, रेशियो में। सो तीनों की तीनों क्वालिटीज किस में होती हैं, रेशियो में। रेशियो की बात करेंगे तो नॉमिनल की, ऑर्डिनल की, इंटरवल की, तीनों की क्वालिटीज होंगी। इंटरवल की बात करेंगे तो पहले दो की क्वालिटीज होंगी, ऑर्डिनल की बात करेंगे तो नॉमिनल की क्वालिटीज होंगी। इट मीन्स जो हमारा रेशियो होता है वो बेस्ट मेजर है। रेशियो में हमारा ऑर्डर भी होता है, डिस्टेंस भी होता है, ओरिजिन भी होता है। ये सारी चीजें मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मेरा क्लासिफिकेशन टैबुलेशन का अगर आपने लेक्चर देखा है तो यू नो इट, द आंसर इज ओजाइव, द आंसर इज ओजाइव, ठीक है, आंसर है ओजाइव। नेक्स्ट, इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा द क्लास हैविंग इट्स अपर इज ट्रीटेड एज लोअर ऑफ नेक्स्ट क्लास। देखे ना, 0 से 10 है ये इसका अपर लिमिट है, और यही नेक्स्ट 10 से 20 में ये इसकी लोअर बन जाती है। कौन सी सीरीज होती है, ओपन एंडेड होती है। ओपन एंडेड में तो ये गिवन ही नहीं होता 0, क्लोज एंडेड है, लास्ट वाला नहीं गिवन होता। इंक्लूसिव की एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव में क्या किया होता है, ये 10 लिखा होता है ना, नेक्स्ट में 11 आ जाएगा, ये होती है इंक्लूसिव। लेकिन ये जो डेटा होता है जो परफेक्ट होता है, वो होता है हमारा एक्सक्लूसिव क्लास। तो एक्सक्लूसिव क्लास इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर ए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, सॉरी गाइस, फॉर ए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज, ठीक है, याद रखना है, म्यू इज इक्वल टू
0, standard deviation is equal to 1. ये key points है जो revise करने बहुत ज्यादा जरूरी है. Next question की तरफ चले. अब आपको बताना है कौन से हमारे टेस्ट का कौन सा मीनिंग है. वेरी इजी. काई स्क्वायर की बात करें तो क्या होता है, गुडनेस ऑफ फिट. इनोवा की बात करें, तो क्या होगा, मोर देन टू सैंपल्स ग्रुप. जी टेस्ट की बात करें तो हमारा ये लार्ज सैंपल लार्ज वर्ड, और टी में बात करें तो स्मॉल साइज, यहां पर लिख ले स्मॉल साइज टेस्ट. तो इस तरीके से हर एक की प्रॉपर्टी, हर एक को डिटेल में आपको रिवाइज करना है इन टेस्ट के बारे में. ठीक है, एक क्लास इसके ऊपर भी बनाऊंगी. ये थोड़ा सा आपको जस्ट टू नो अबाउट द सब्सक्रिप्शन क्लास, और आपको डिस्काउंट के बारे में नोटिफाई करने के लिए आज का ये लेक्चर बनाया गया है, क्योंकि देर आर 15 डेज लेफ्ट. ठीक है, Which of the following is not a characteristic of normal distribution? पहला कहता है bell shaped and symmetrical. दूसरा कहता है mean is equal to median is equal to mode. तीसरा कहता है total area under curve is 1. तो last कहता है two tails in both touches the horizontal axis. तो गलत है. bell normal का ये तो हमें पता है, bell shaped होता है, perfectly symmetrical होता है, mean median mode equal होता है, total area जो इसके under होता है उसका answer 1 होता है. लेकिन ये touch कभी भी नहीं करते हैं. appears to touch होता है, but never touches. Never touches. So guys, ये इसका गलत है जो फीचर नहीं है. So ये इससे आपको ये पता लगता है. So अब हम बात करते हैं ये 10 MCQs के बाद, अब हम बात करते हैं आपके जो आपको स्पेशल ऑफर है आपके लिए उसके बारे में. So guys, सब्सक्रिप्शन क्लास के बारे में हम बात करें. Yeah. Wait a second. Yes. तो गाइज, एज आपको पता है कि आपका जो सब्सक्रिप्शन क्लास है उसमें आपको एक टाइम पर ही, एक टाइम पे मतलब एक दिन पर ही, आपके प्लस टैब में जब आप क्लिक करते हैं तो 10 से ज्यादा एडुकेटर्स आपको मिलते हैं. ठीक है, एक टाइम पे 10 से ज्यादा एडुकेटर होने का क्या मतलब है, वो जो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी आपको मटीरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू यू. दूसरा लाइव क्लासेस है. ठीक है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा टॉप एडुकेटर्स. ठीक है, आपको उसकी लिस्ट भी पता है, वो आपको प्रोवाइड करेंगे. वीकली क्विजेज एंड डाउट क्लियरिंग, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑस्पेक्ट है. जब आपके क्विज होंगे, क्विज में पता क्या होता है, क्लॉक जो है वो चलती रहती है. जब आपके क्विज होंगे ना गाइज, तो वो आपके सारे के सारे डाउट्स भी क्लियर करेगा. सो यही एक की पॉइंट है जेआरएफ को अचीव करने का. ठीक है ना. So, अगर आप भी एक मतलब बहुत कीन है अपने जेआरएफ को क्लियर करने के लिए, एंड यू डोंट नो द राइट प्लेटफॉर्म, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू आई मस्ट से. क्योंकि यहां पर एक तो आपको बहुत सारा डिस्काउंट्स अवेलेबल हो रहे हैं, दूसरा अगर आप नॉर्मल कोचिंग में भी जाएंगे ना, तो उसमें क्या है, आपको जो एडुकेटर आपको मिलता है वही से पढ़ना पड़ता है, और 30,000 प्लस कितना कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ता है. लेकिन यहाँ पर क्या है, एक तो आपकी कॉस्ट बहुत मिनिमम है. हम 6 मंथ्स का भी पैकेज लें तो वो 7,000 प्लस आपको कुछ पड़ता है. सो ऊपर से डिस्काउंट लगा देंगे और कम पड़ेगा. ठीक है, आपके लर्निंग मिनट्स हैं तो और कम पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाते हैं यहाँ पर 10%. और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, कि यहां पर अगर आपको इवन एक एडुकेटर का कोई पॉइंट नहीं भी समझ आता है, सो देयर आर सेवरल एडुकेटर्स. आपके पास एक एडुकेटर नहीं है, बहुत सारे एडुकेटर्स हैं. सो गाइस, इस चीज को अगर आप अभी तक नहीं पहचान पाए हैं, सो आपके लिए मौका है. आप इसे अभी भी, टाइम मतलब नहीं बीता है, अप्रैल का महीना पूरा पड़ा है, मई का महीना पूरा है, और जून का भी 20 के ऊपर से है ना एग्जाम, तो आपको इतना प्रॉपरली नियर अबाउट आपके पास 80 डेज है. अभी भी अगर आप चाहें तो इसको, इस मौके को ग्रैब कर सकते हैं. सारी के सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगे आपको, सारी के सारी क्लासेस रिवाइज हो जाएंगी. एंड व्हाट इज अ गिफ्ट फॉर यू गाइस, एक तो ये है, आपको ये रेफरल कोड तो लगाना ही है मेरा, ठीक है, टू अवेल दैट. दूसरा ये है, आप मुझे यहाँ पर मैसेज करेंगे, ठीक है,
दिस इज माई पर्सनल नंबर, आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और जो आपको बेसिस आपके बेस पर कि आप 6 मंथ्स का पैकेज ले रहे हैं, 1 ईयर का ले रहे हैं, 1 मंथ का ले रहे हैं, उसके बेसिस पर गाइज आपको क्या मिलेगा, मेरी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? दैट विल बी डिस्क्लोज्ड ओनली इफ इवन इफ यू आर इंटरेस्टेड, क्योंकि ये सारी चीजें अगर मैं अभी से रिवील कर दूंगी, कई लोग इंटरेस्टेड होंगे, कई नहीं भी होंगे. सो जो लोग इंटरेस्टेड है वो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको बता दूंगी कि आपको मेरे थ्रू आपको क्या ऑफर्स मिल सकते हैं और क्या एक्स्ट्रा डिस्काउंट आफ्टर यूजिंग दिस कोड आप क्या डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, ठीक है गाइज? सो ये मेरा एक मोटिव था आपको ये स्पेशल क्लास आपके इस तरीके से लेने के लिए. अदरवाइज वी हैव टू स्पेंड 70 आवर्स, 70 आवर्स ऑन लाइव क्लासेस. सो उस पर इतना ज्यादा वी आर बिजी दैट उसके बाद से ये क्लासेस लेना दैट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस, ठीक है? सो दैट्स वाई गाइज, अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं टू डू मैसेज मी एज सून एज पॉसिबल. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग. थैंक यू गाइज, बाय बाय.